जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं देवसैनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कलयुग पर देवसैनी एकादशी व्रत कथा एक ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही सांसारिक जीवन के जो हमारे कष्ट है, दुख है, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों देवसैनी एकादशी की कथा का पूरे भक्ति भाव से हम श्रवण करते हैं। दोस्तों देवसैनी एकादशी व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दसवीं तिथि को रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर दोस्तों व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करें और पंचामृत से स्नान कर पाकर तत्पश्चात धूप दीप पुष्प से बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को समस्त पूजन सामग्री जैसे दोस्तों फल फूल मेवा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करें। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में बताए गए जो सामान्य नियम है दोस्तों, उन सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। दोस्तों आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तो श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे आज कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया था तो ब्रह्मा जी ने दोस्तों उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवसैनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक गामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम ही है दोस्तों पद्म एकादशी या देवसैनी एकादशी, विष्णु सैनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरि सैनी एकादशी के नाम से भी कहीं कहीं यह जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ दोस्त, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक दोस्तों चक्रवर्ती राजा होता था जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी रहती थी और उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय वो राजा राज में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज में यज्ञ भी बंद हो गए। तो दुखी एक दिन यह प्रजा जो है राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही माम कर रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से दुखी है। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतार कर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज में अकाल कैसे पड़ गया? राजा ने ऋषि से यह सवाल किया। इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेश को दूर कर दीजिए। साथ में प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताए मुनिवर। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन,
यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रहते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूं, आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तो ऋषि कहने लगे, राजन यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इसलिए इस एकादशी की व्रत तुम प्रजा सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर दोस्तों राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा था। इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत जो है इस लोक में भोग और परलोक सभी को मुक्ति देने वाला होता है। साथ ही इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।